अगर आपका पेट भी बहुत ज्यादा लटका हुआ है और साथ में आपको लोअर बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सा इजी कोर वर्कआउट, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पेट को तो कम करना चाहते हैं लेकिन कई लोगों की जो पीठ है वो साथ नहीं देती। जब भी हम टमी का वर्कआउट करते हैं तो उसके लिए आपका मेन स्ट्रॉन्ग होना है बैक का, ठीक है, क्योंकि बैक में पेन होगा तो आप टमी को कभी भी कम नहीं कर पाओगे। तो आज आपकी दोनों चीजें यानी दोनों विशेष पूरे होने वाली हैं। लोअर बैक का पेन है वो भी आपको उसमें आराम मिलेगा, प्लस में आपका बेली एरिया भी कम होने वाला है। बस आपको चाहिए थोड़ा सा स्पेस घर में बिना किसी इक्विपमेंट के। आप मेरी इस वीडियो को आराम से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि करेक्ट पोजिशन और रिपीटेशन। जैसे मैं आपको बता रही हूँ करेक्ट पोजिशन आपने मेरी देखनी है कि मैंने कैसे ली हुई है, और जितनी रिपीटेशन बताई जा रही है सेम रिपीट करनी है, तो 15 से 20 डेज में आपको ह्यूज डिफरेंस फील होगा आपका लोअर बेली और अपर बेली दोनों में, ठीक है। डाइट पे कंट्रोल करना, खुश बहुत अच्छे से रहना और स्लीप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है इस तरीके से, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके। देन उसके बाद में अपने दोनों नीज को इस तरीके से आपने होल्ड करना है और चेस्ट के पास लाने का ट्राई करना है। देन डाउन, देन अप एंड डाउन। इससे आपका लोअर बेली अपर बेली एंगेज हो रहा है, प्लस में आपके लोअर बैक को इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 3 सेट। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से अपसाइड कर लेना है। अपसाइड करने के बाद में दोनों हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से डाउन जाते जाएंगे लेग के साथ। इससे आप नोटिस करेंगे कि पूरा एंगेजमेंट जो है आपके कोर मसल में आपको फील हो रहा है, पेट आपको बेसिकली खींच के रखता है, ब्रीथ आपको नॉर्मली लेते रहना है। 20 टाइम्स इसे हम रिपीट करेंगे और इसके हम करेंगे 2 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको पीठ के बल मैट पे लेट जाना है, लेग्स को इस तरीके से फर्स्ट फोल्ड करके रखना है, अपने हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करना है और अपनी लेग को साइड टू साइड हमने बेंड करना है। जितना हो सके हम बेंड करेंगे। अगर आपको हैंड पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप साइड पे भी रख सकते हैं या फिर अप साइड भी रख सकते हैं। सारी एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रही हूँ लोअर बैक के पेन में आपको बहुत रिलीफ देंगी और टमी को भी बहुत अच्छे से फ्लैटन करेंगी। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से चेस्ट के बल लेट जाना है और उसके बाद में अपनी वन लेग को अप एंड डाउन करना है। देख लीजिए कैसे। इसे हम परफॉर्म करेंगे और इसके करेंगे हम 2 सेट। पेट को आपने खींच के रखना है, ब्रीथ आपने नॉर्मली लेते रहना है।
रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके बैक साइड पे बैठ जाना है, देन उसके बाद में आपने अपसाइड होना है, अपने हैंड्स को बिल्कुल बैक साइड पे इस तरीके से लेके जाना है, देन डाउन देन अप। हम इसको करेंगे 20 टाइम्स और ब्रीथ आप नॉर्मली लेते रहेंगे। कोर मसल को आप एंगेज करेंगे, जिसके लिए आपने पेच को प्रॉपर खींच के रखना है और इसके हम करेंगे 2 सेट्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। दोनों हैंड्स को इस तरीके से हम प्लेस करेंगे और अपने टोस पर हम आ जाएंगे। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपनी लेग को अंदर लेकर आना है, इनसाइड देन आउटसाइड देन इन देन आउट, बिल्कुल स्लो मोशन में। फास्ट करेंगे तो अगर आपके बैक में पेन है तो और हो सकता है, अगर नहीं है तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं। 20 times, 2 sets. तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वाला वर्कआउट बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस क्या करना है, थोड़ी सी रिश्वत दे दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, पेज पर हो तो फॉलो कर दो और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना आए इशा मेहरा। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ।